फतेह भोपाल का, जहां पे प्राण प्रतिष्ठा के चलते अब हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। बता दें कि दशहरा मैदान के संत नगर बैरागढ़ में इस वक्त कार्यक्रम हो रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें भोपाल से। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है और ये अखंड हनुमान चालीसा का पाठ होगा जो कि 22 जनवरी से पहले तक चलेगा। बता दें कि दशहरा मैदान में इस वक्त कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर मोहन यादव खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनके साथ ही डिप्टी CM जो है राजेंद्र शुक्ल जी वो भी मौजूद है। पटाखे चलाएंगे, ऐसी दिवाली मनना चाहिए मध्य प्रदेश में राम दिवाली, के पूरे देश भर से मोहन यादव जी के लिए पत्र आए कि मध्य प्रदेश की दिवाली सबसे बड़ी दिवाली थी, ऐसी दिवाली मनना चाहिए। आज भारत का परम सौभाग्य हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका में घुटने टिका देते हैं, अमेरिका के जो पाकिस्तान में आकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जो कश्मीर से 370 हटाते हैं और 500 साल का संघर्ष के बाद ना नेहरू मंदिर बनवा पाए ना इंदिरा मंदिर बनवा पाए, अगर अवध में राम मंदिर बनाते हैं तो मेरे मोदी जी बनवाते हैं, कोई और नहीं बनवाता। इसलिए दोनों हाथ उठाकर मोदी जी के भी धन्यवाद दीजिए, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर। नहीं यार, मैं मेरी ड्यूटी करूंगा यार। बोलिए जय जय श्री राम। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जाना है, रायसेन जिले के कुछ कार्यक्रम हैं, सागर के कार्यक्रम हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमको संदेश राजेंद्र जी ने दिया है, मैं आप सबकी ओर से सुधीर जी इधर आ जाइए यहाँ मंच पर, सुधीर जी बासवानी जी यहाँ, मैं आप सबकी ओर से आदरणीय राजेंद्र शुक्ला है मोहन यादव जी जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आपको संदेश दें और एक रिक्वेस्ट आप सबकी ओर से करूंगा कि आपके साथ बैठकर एक पाठ हनुमान चालीसा का भी करें। बताओ तैयार हो? ऐसे थोड़ी मुख्यमंत्री जी को रोकना, तो तालियां नहीं तो बजाए करो यार, ठीक है कि नहीं? और इसलिए मैं माननीय मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी महाकाल के अनंत भक्त और सच पूछो तो धर्म ध्वजा को भी लेकर चलने वाले, मायकों की आवाज भी कम कर दी हमने, खुले में मांस बिकवाना भी बंद करा दिया, ये कम है क्या? बताओ अच्छा है कि नहीं? सनातन धर्म की पैरवी है या नहीं? और बेटा बेटियों ये भी कई एक्सीडेंट कॉलेज की कल्पना लेकर मोहन यादव जी हैं, और इतना ही नहीं है हमारा BRTS भी मोहन यादव जी हटवा रहा है और आज ही हटेगा, आज रात से वो भी हटेगा, तो दोनों ताली बजाइए। मैं मोहन यादव जी को आमंत्रित करता हूँ, तो आप सबको शुभकामना दें, बहुत बहुत धन्यवाद। हट जाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ, हो जाएगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा की कृपा से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये घड़ी हमारे आंखों के सामने आ रही जिसका इंतजार है। अब 48 घंटे बाकी है, इस घड़ी से हम केवल 48 घंटे आज से कल और कल से परसों, और परसों जो इतिहास बनेगा इसी समय शुरू हो जाएगा। इसलिए मान के चलो ये उल्टी घड़ी चालू हुई है, उल्टा कैलेंडर चालू हुआ है, और हम सबके लिए भारत का सुशासन का राम राज्य के प्राकट्य का एक पहला चरण हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 90-92 के समय से जो एक संघर्ष 30-32 साल का रहा अभी का, और वैसे तो 500 साल से कई पीढ़ियां हमारी इसी बात के लिए खप गई। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में दुश्मनों की निगाह में वो कांटा बन के खटकता था जो सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था, और काल के प्रवाह में आरोह अवरोह होता है, कभी अच्छा होता कभी हमारा समय खराब था, और हमारा समय खराब था तो उसमें आतंकियों ने हमारे अपने धर्म पे गलत निगाह डालते हुए, ये उसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ, परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे, वो सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर
भगवान राम के मंदिर का बनना यह हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। और अभी तो हम सब देख रहे हैं समय के साथ जैसा जैसा समय बदलता जा रहा है, कई सारे कांग्रेस के मित्र भी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं कि हमारी पार्टी गलत मार्ग पे जा रही है। ये सारे हमारे अपने उस अतीत के काल को याद कर रहे हैं जब धनुष की टंकार के पहले भगवान राम ने रामेश्वरम की पूजा करके कदम बढ़ाया था। और आपके यहाँ भी रामेश्वरम जी, हमारे यहाँ रामेश्वर जी है, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने उसी प्रकार के काल के लिए। राम जी के मामले में रामेश्वर जी नहीं हो तब तक लंका पे विजय नहीं पाई जाती है। तो हम सब परमात्मा की कामना से, मेरे साथ हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र जी है, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जी सुनील जी है, पूरा मंच और आप सब। मैं आज आपके अवसर पर खास करके हनुमान जी, वो अष्ट चिरंजीवी में से एक है जो सारे समय सशरीर अमर होकर के आज भी आशीर्वाद देते हैं। भगवान 17 लाख साल पहले राम जी के साथ भी थे और 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के महाभारत के अंदर धर्म ध्वजा थाम करके उस समय भी हनुमान जी थे जिनने पूरी अपनी आंखों के सामने वो दृश्य देखा। और आपने उनका पाठ करके ये जो अद्वितीय अवसर बनाया, रामेश्वर जी मौसम ठंडा लेकिन इतनी बड़ी संख्या देख करके राम भक्तों में जोश का आएगा बिल्कुल, सामने वाले के होश फाटता हो जाएंगे मुझे लग रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप हनुमान जी के याद करने वाले हो तो हनुमान जी तो ताकत देते ही हैं। और हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से आज अपना इस हमारी अपनी बैरागढ़ के क्षेत्र के अंदर इस स्टेडियम में भगवान हनुमान जी का पाठ करते हुए हम प्रभु राम की भक्ति भी करेंगे और शक्ति की भक्ति भी करेंगे। हनुमान जी की शक्ति की भक्ति का जो मार्ग है वाकई वो हमारा जीवन धन्य करने वाला है। एक बार मैं इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए पूरे सारे बाल कृष्ण और बाल राम के रूप के प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि 5 साल के भगवान मंदिर में विराजे हैं और ये बाल रूप को लाकर आपने उसके लिए एक लघु चित्र सामने खड़ा किया है, मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और उम्मीद करता हूँ कि परसों के बाद जब नए दौर का नया भारत बनेगा, ये हमारी नई पीढ़ी निश्चित रूप से दुनिया में भारत सबसे अच्छा बने और भारत में मध्यप्रदेश सबसे अच्छा राज्य बने, इस दिशा में काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। इस वक्त संत हिरदा राम नगर में यह आयोजन हुआ है बैरागढ़ में, जहां पर करीब 11,000 राम भक्त जो है हनुमान चालीसा